पिछले 30 वर्ष में बाहर का बात छोड़ दीजिए, इसी गरीब बिहार के लोगों का 26 लाख करोड़ रुपया, इसको जाकर देख लीजिए, रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों ने यहां से उठाकर दूसरे राज्य में भेज दिया। पैसा आप जमा करते हैं SBI में, PNB में, अररिया में, और लोन ले जाकर देता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा यहां से जा रहा है, पलायन हो रहा है। मेरे भाई, बिहार में पलायन खाली लोगों का नहीं है, लोगों का पलायन है, बुद्धि का पलायन है। जो बच्चा पढ़ लिख गया वो वापसे नहीं आ रहा, लोग का पलायन है मजदूर के तौर पर, बुद्धि का पलायन है विद्यार्थी के तौर पर, और सबसे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन। जो 2 रुपया आप कमाकर बैंक में रखते हैं, बैंक वाला यहां से उठाकर भेज रहा है गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने यहाँ हम लोग का पैसा भेज दिया दूसरे जगह। कोई बिहार में इसका चर्चा नहीं कर रहा, किसी को मालूम भी नहीं ये कौन सिस्टम है। मेरे भाई, जो बैंक में आप 100 रुपया जमा करते हैं, बैंक की ये जिम्मेवारी है कि उसमें से 70 रुपया कम से कम आपको कर्ज के तौर पर दे वापस, घर बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। यहाँ बैंक वाला पैसा ले रहा है और ले जाकर गुजरात में दे रहा लोन। आपको नोएडा में घर खरीदना है तो लोन मिल जाएगा 1 दिन में, अररिया में घर बनाना है बैंक वाला आपको 50,000 रुपया लोन नहीं देगा। ये व्यवस्था यहाँ, इसको सुधारने के लिए हम लोग को अपने सजग होना पड़ेगा।